जबरदस्त स्निकर बार्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, चॉकलेट मेल्ट कर दूंगी। अभी मैं क्या करने लगी, इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊंगी और अच्छी तरह इसको बटर लगा कर ना इसमें हम चॉकलेट मेल्ट करके सबसे नीचे वाली लेयर पे ना हम चॉकलेट लगा लेंगे। अच्छा मैंने क्या किया, देखिए चॉकलेट ना आप ऐसा करें, आप चाहें तो इसमें बटर डालकर आप उस तरह से मेल्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप ना माइक्रोवेव में रखें, फटाफट मेल्ट होगी। आपने उसको बस ऊपर से कवर करना है और आपने फ्रीज कर देना है। बटर पेपर ना अच्छी तरह लगा दीजिएगा ताकि ना चारों तरफ अच्छी तरह लगाओ बटर पेपर, तो जब आप अपना स्निकर बार निकालेंगे ना तो वो ईजीली निकल आएगा। अच्छा अब मैं बनाने वाली हूँ कैरमल सॉस। अब कैरमल सॉस बनाना बड़ा आसान है। इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ा सा मैं डालूंगी बटर और फिर मैं डाल दूंगी शुगर। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये इसके पानी के साथ ही, थोड़ा सा इसका पानी निकाल देंगे, डेट्स जो हम लोगों ने भिगो के रखी। अच्छा अब मैं इसको करूंगी ब्लेंड। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, क्रीम। इसमें मैं सिर्फ डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट हम लेंगे आप पिंच, अगर आपको ज्यादा सॉल्ट चाहिए, आप सही सॉल्टेड रखना है तो आप ज्यादा सॉल्ट डाल दें। अच्छा हमारा कैरमल ये देखिए कितना मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। मेरा कैरमल तैयार है, मैंने वो ब्लेंड करके रख दी हैं चीज़ें सारी। इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला है, इसके अंदर पीनट बटर डाला है तो वो ना थोड़ा सा मिक्स टेस्ट देगा। अच्छा अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारी लास्ट चीज़, दैट्स ओट्स। अच्छा अब इसके ऊपर मैं ये वाली इसकी लेयरिंग करूँगी, हमारे नोगट की लेयरिंग। मैंने कैरमल अच्छी तरह कर दी है, आप इसे ज़ूम करना ताकि बबल्स ना बने और इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है हमारा स्निकर बार, इसमें एक लेयर कैरमल की है, एक लेयर नोगट्स की है।